दिवसीय दौरे पर 27 मार्च को अपने गृह जनपद आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 27 मार्च को चिड़ियाघर का लोकार्पण तथा 28 मार्च को एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए करेंगे वायु सेवा का शुभारंभ। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन का बजा विगुल, चार चरणों में होगा चुनाव। जनपद में पहले चरण के तहत 15 अप्रैल को होगा मतदान, 2 मई को होगी मतगणना। जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडियन ने दी जानकारी। चिड़ियाघर के लोकार्पण के एक दिन पहले वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने किया शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र का निरीक्षण। कहा 27 मार्च को मुख्यमंत्री के द्वारा लोकार्पण के बाद जनता को किया जाएगा समर्पित। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता हुआ लागू। पहले चरण में एक ही दिन 15 अप्रैल को होंगे जनपद के सभी पदों के मतदान, 2 मई को होगी मतगणना। पंचायत चुनाव के पहले बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। जिले के डीआईजी व एसएसपी हटाए गए, डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह बने डीआईजी व दिनेश कुमार पी को जनपद की सौंपी गई कप्तानी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा 27 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे चिड़ियाघर का लोकार्पण। लोगों से लोकार्पण समारोह में शामिल होने की अपील। जिले में 1294 पदों पर ग्राम प्रधान, 15372 पदों पर ग्राम पंचायत सदस्य, 1704 पदों पर क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ ही 68 जिला पंचायत सदस्य का होगा चुनाव। डीपीआरओ ने बताया 15 अप्रैल को मतदान और 2 मई को होगी मतगणना। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र के लोकार्पण समारोह की तैयारियों का वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ किया समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एडीजी जोन अखिल कुमार ने शुक्रवार को किया चिड़ियाघर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण, सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं की ली जानकारी, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 36 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,623। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 120 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। योगी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से किया संपर्क, बताई सरकार की उपलब्धियां। कहा जो काम 40 वर्ष में नहीं हुआ उसे योगी सरकार ने 4 वर्ष में ही कर दिखाया। और जनपद में शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित 105 केंद्रों पर किया गया 45 साल से ऊपर के नागरिकों का कोविड वैक्सीनेशन। नागरिकों ने कहा नहीं हुआ टीकाकरण से कोई दिक्कत, सीएमओ ने कहा अपनी बारी आने पर अवश्य कराएं टीकाकरण।